सरकाघाट का जमसाई युवक मंडल आवारा पशुओं का मसीहा बनकर सामने आया है। मंडल के सदस्यों ने सरकाघाट से जाहू तक एक अभियान चलाया। इसमें जो भी बेसहारा पशु सड़क किनारे दिखा उसे सात अनाजों से बने पेड़े खिलाए गए। मंडल के प्रधान विजय कुमार ने बताया कि इसी गांव में वन विभाग से सेवानिवृत्त हुए बालम राम पिछले कई वर्षों से बेसहारा पशुओं को पेड़े खिलाते आ रहे हैं। वे जगह जगह इन पशुओं के लिए पानी का इंतजाम भी करते हैं। उनसे प्रेरित होकर युवक मंडल ने ये परंपरा आगे बढ़ाई है। इस दौरान उन्होंने 1100 पेड़े खिलाए हैं और आगे भी इस काम को जारी रखेंगे। उधर वार्ड मेंबर ब्रिजलाल ने बालम राम और युवक मंडल के सदस्यों के इस काम की सराहना करते हुए बताया कि पूरे सरकाघाट में इस अभियान की चर्चा है। वहीं बालम राम ने कहा कि बेसहारा गऊओं के लिए खाना और पानी का प्रबंध करेंगे, तभी संसार में सुख और शांति आएगी। मैं युवक मंडल प्रधान जमसाई, आज हम सब मिलकर जो है गौ सेवा के लिए जो पेड़े बना रहे हैं वो हमारे ताया जी जो है बालम राम जी, इनसे इंस्पायर होके हमने जो है जो ये काम करते थे, पहले ये पेड़े देते थे, तो आज हम 1000 के करीब जो है वो पेड़े बना रहे हैं। और जो असहाय जो गौएं हैं जो सड़क पे इधर उधर भटकी हुई हैं उनको जो है हम ये देंगे और आगे भी हर रविवार को हम ये कार्य जो है करते रहेंगे। और इससे जो है जो बेचारी भूखी हैं उनके लिए जो जितना भी हमसे होगा वो उतना हम करेंगे और उनकी पानी की व्यवस्था भी करने का आगे जो भी होगा वो हम किया करेंगे। सेवा कार्यक्रम हमने शुरू किया है 1 वर्ष से नहीं, इसको हम आगे से आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारी धरती के ऊपर जो कोई भी जीव कोई भी पशु जो है बैल कोई भी असहाय ना रहे। और ये ठीक है तो हमारा सभी ठीक है। इस धरती के ऊपर जो आज सनातन धर्म की जो हानि हो रही है इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्य को आगे से आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारी कोई भी गौ माता कोई भी दुखी ना रहे इस धरती के ऊपर। हमारे युवक मंडल जमसाई जो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं गौओं के लिए वो पेड़े का प्रबंध कर रहे हैं और आज पुण्य की तिथि है, इसमें सभी युवक मंडल जमसाई वाले सहयोग दे रहे हैं। सभी बच्चे युवा मंडल के यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और भगवान सबको सुख शांति समृद्धि दे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सरकाघाट से पवन प्रेमी की रिपोर्ट।